जहां एक तरफ पूरे देश में तिरुपति महाप्रसाद को लेकर आक्रोश है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से भी मंदिरों को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां मंदिरों में हो रही एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही जो गैंग इन चोरियों को अंजाम दे रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गैंग के सारे सदस्य एक ही परिवार के हैं और संपर्क में एक दूसरे के भाई लगते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान टेकरी मंदिर पर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। राजस्थान की कालबेलिया गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी किए गए 10 किलो चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 25 अगस्त को गुना के हनुमान टेकरी मंदिर पर नकाबपोश गैंग ने डकैती की थी। वो पहाड़ी के रास्ते पीछे की तरफ से टेकरी पर पहुंचे थे। उन्होंने गार्ड को भी बंधक बना लिया था। इसके बाद गर्भगृह में प्रवेश कर बालाजी सरकार का मुकुट, गदा समेत आभूषण चुरा लिए थे। पर उसके अगले दिन टेकरी ट्रस्ट ने बताया था कि करीब 3.5 किलो चांदी के जेवर गायब हुए हैं। डकैतों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ लिया था। साथ ही पीछे के मंदिरों की दान पेटी तोड़कर वह कुछ नगदी भी चुरा के पीछे के रास्ते से ही भाग गए थे। यहाँ सबसे अनोखी बात यह है कि एक 6 सेकंड के वीडियो ने पुलिस को डकैतों तक पहुंचने में मदद की। दरअसल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, पर किसी भी जगह डकैत नहीं दिख रहे थे। इसके बाद पुलिस ने काफी दूर लगे एक सीसीटीवी की फुटेज चेक की, जिसमें पुलिस को 6 सेकंड का ये सुराग मिला। जिसके बाद पुलिस को बंदा जागीर गांव के कुछ लोगों पर संदेह हुआ। संदेह के आधार पर पुलिसकर्मियों को सादे ड्रेस में आरोपियों के गाँव में आर्थिक सर्वे करने भेजा गया। पुलिस ने झालवाड़ा जिले के बंदा जागीर गाँव में कालबेलियों के टपरों पर छापा मारा, तो वहाँ एक अधेड़ महिला और लकवाग्रस्त पुरुष मिले। जिनसे पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि उसके 7 लड़के हैं, सभी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं चले गए हैं। पुलिस टीम उनके पीछे लग गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने मुख्य संदेही बाबूलाल को पकड़ लिया, बाकी आरोपी भाग गए। पूछताछ की गई तो वारदात स्वीकार कर लिया गया। उसने बताया कि परिवार के और 5 लोगों के साथ मिलकर उसने वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने पहले पूरे मंदिर और उसके रास्तों की रेकी की थी। पुलिस ने आरोपी बाबूलाल कालबेलिया और रेकी करने वाले शंकरनाथ कालबेलिया को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए आभूषणों में से कुछ आभूषण जिस सुनार से गलवाए थे, उस सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ कि इस गैंग ने और भी कई मंदिरों में चोरियां की हुई है। इस घटना में पुलिस गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री और गुणा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पुलिस को धन्यवाद दिया है। सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट के जरिए पुलिस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की पुलिस व प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग से टेकरी सरकार की सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता फिर से उजागर हुई है। मैंने SIT के साथ मिलकर 20 दिनों तक दिन रात निगरानी और जांच की, ताकि इस पवित्र धरोहर को सुरक्षित वापस लाया जा सके। इस सफल मिशन के लिए पूरी टीम का एक बार फिर से धन्यवाद।